गोरखपुर से बड़ी खबर, पुत्र बनल पिता के हत्यारा। बताओ चली कि गोरखपुर में मधुर मुरली गुप्ता के पुत्र संतोष अपने पिता के निर्मम हत्या कर दिलस। जमीन के बंटवारा के लेके, जमीन के विवाद में का एक पुत्र हस्तक गुजर जाए, का एक पुत्र जवान पिता के गोद में, जवान पिता के हाथ में पल के बड़ा भाई, वो जमीन और संपत्ति के लालच में अपने बाप के मार दे। पहरे समय आज के जो परिवेश बा, जो कल्चर बा, केहू अपने बेटा से ऐसा उम्मीद नहीं कर। लेकिन गोरखपुर में बड़ी वारदात, गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके में एक बेटा बाप का बना हत्यारा। बताओ चली कि बेटा बाप के मार के, जमीन के विवाद के लेके, जमीन के बंटवारा के लेके अकेले पाके पिता के सिलवट्टे से सिर पे वार कैलस। और घर में जब केहू नहीं रहा तो बगल वाले कमरे से, भाई के कमरे से एक सूटकेस ले आके पिता के निर्ममता से टुकड़ा टुकड़ा करके वो सूटकेस में भर के बगल वाली गली में छिपा देता। वाह, का ऐसा कहले से संपत्ति मिल जाए, का ऐसा कहले से हत्या का गुनाह छिप जाए, का ऐसा कहले से समाज ओके माफ करी, समाज छुटकारी, लोग छुटकारी हन और सलाखों के पीछे सड़े के पड़ी। लेकिन संपत्ति, संपत्ति खातिर बाप के हत्या, ये निंदनीय बात, घोर निंदनीय बात। गोरखपुर से बड़ी अपडेट, गोरखपुर से बड़ी खबर आपके देता नहीं, भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे उतने ही देर में अपना कार निकल भी है। दो तीन घंटे बाद जब शटर खुला तो पापा कहीं नामो निशान नहीं मिला। कैसे मारे थे? जैसे पापा पूजा कर रहे थे, माला कर रहे थे, भैया वहां से लोढ़ा लेके आए, लोढ़ा लेके आए कि सर तो खूब तेज मारे हैं, इनका से पीछे से मारे हैं, सर इनका फट गया, बेहोश हो गया। वो लकड़ी वाला आरी, लकड़ी काटने वाला आरी लिए, उसे पूरा गर्दन पूरा काट के एकदम अलग कर दिए। और वही काटते समय जितना खून छिद्र आया था, तब वही किस तरह से घटना का अंजाम दिए, तो क्या बता रहे हैं? जैसे बॉडी का क्या किए? ए बॉडी के हमारा वो सूटकेस था, उसमें अपना कपड़ा रखे, वो कपड़ा फोल्डिंग पे निकाल के रख दिए थे, और फोल्डिंग पे निकाल के रख दिए, फिर वही उसमें सूटकेस में मुंडी अलग था, वो अलग बोरा में किए। आप लोग देखे थे बॉडी को? बॉडी तो जब वो पुलिस और आ गए थे उस बार बहुत रात में, जब खोदे था बॉडी मिला था। एवं अंदेशा है कि उनके पिताजी की किसी ने हत्या कर दी है। इस बात की सूचना मिलने पर थाना तिवारीपुर की पुलिस देर रात मौके पर पहुंची एवं अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उसके भाई से पूछताछ की, घर की छानबीन की गई तो उसमें कुछ ब्लड के निशान मिले। उन निशानदेही के आधार पर यह पता चला कि यहां पे किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित हुई है। इस पर घर के विभिन्न लोगों से पूछताछ की गई, तब पता चला कि वो लोग 10:15 बजे के आसपास अपने घर पे आए थे। तभी उनका भाई स्कूटी लेके बाहर जा रहा था, पिताजी के बारे में पूछने पर वह कुछ ज्यादा बता नहीं पाया। इसी बात का अंदेशा के कारण उस व्यक्ति ने 112 को कॉल किया। पुलिस ने बाद में बड़े भाई को हिरासत में लेके अच्छे से पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उन्होंने अपने पिताजी की, जो उसमें शाम के समय बैठे थे, उनसे किसी बात को पैसे के आर्ग्यूमेंट को लेके कहा सुनी हुई। कहा सुनी के बाद में जब वे अकेले बैठे थे तब उन्होंने उसके सिर पे डंडा मारा और उसके बाद में आरी से गला रेत कर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में सबको ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में डालकर वह ले जा रहा था। इतने में ही उनके भाई ने पुलिस को सूचना दे दी थी। इस तरह अभियुक्त प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने एवं उसके पास से बरामद आला कत्ल को बरामद किया गया है एवं उसको गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।